नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और जिस हिसाब से आपने मेरा थंबनेल देखा है, मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपका कोई पर्सनल लोन है 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, अगर आपका डिफॉल्ट हो गया है और उसमें आपका जो भी है वो एकदम जेन्युइन रीज़न है, तो आप बैंक वालों से कैसे बात करें और कैसे इस समस्या से बाहर निकलें, तो दोस्तों पूरा वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए, तो उसको सब्सक्राइब शुरू करना। नीचे लाल बटन देखे रखा है दोस्तों, 2 मिनट केवल लगता है, दबाने में इवन 2 सेकंड लगता है। और घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कंपनी एंजल ब्रोकिंग में, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैजिक लिंक देखे रखा है, लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हो। तो दोस्तों इस समय कई बार देखा जा रहा है कि भाई हमारा जो पर्सनल लोन है वो लोगों का डिफॉल्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका जेन्युइनली डिफॉल्ट हुआ है, जिन्होंने जानबूझ के कोई शैतानी नहीं करी है, जानबूझ के जिन्होंने डिफॉल्ट यानी विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया। यहाँ पे विलफुल डिफॉल्ट यानी जो जानबूझ के इसको डिफॉल्ट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने 3-4 साल के लोन लिया था, कुछ समय उन्होंने सही भरा, फिर ये यहाँ पे ऐसी कोविड आ गया या और कोई प्रॉब्लम हो गई और आपका लोन का ईएमआई बाउंस होने लग गया। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन बताऊंगा। कई लोग यहाँ पर वीडियोस यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं कि भाई ऐसे में हो तो आप जाके बैंक को अपना जो पर्सनल लोन है, जो जिसको हम अनसिक्योर कहते हैं, अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दो तो बैंक आपको टाइम दे देगा और आपको काफ़ी मुसीबत से निकल जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर काम करता है। वो किसी भी अनसिक्योर लोन में कुछ भी गिरवी नहीं रख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, वरना उनके बैंक पे ताला लग जा सकता है, वो भी पक्का वाला। तो क्या करना है? तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, मैं पहला केस बताता हूँ। अगर आपने 3 साल या 5 साल के लिए लोन लिया और आपने 1.5 साल या 1 साल आपने अच्छे से भरा है, अब 1 साल भरने के बाद कोई भी कारण से आपका ईएमआई भरने में आप सामर्थ्य नहीं हो, जो आपका अमाउंट है, मान लीजिए आपका, मैं मान लेता हूँ आपने 2.5 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, जिसका ईएमआई कुछ 5,000 आता है, और आपने वो 1.5 साल तक या साल भर तक भरा, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई। अब आप बोलते हो भाई मैं 5,000 का ईएमआई तो नहीं भर सकता, लेकिन कुछ कुछ करके मैं 2,500 तक इसको भर सकता हूँ या 3,000 तक भर सकता हूँ, लेकिन 5,000 तो नहीं भर सकता हूँ। तो आपने जो 1.5 साल ईएमआई भरा है उसमें आप क्या करिए, आप बैंक वाले के पास जाइए, जनरली अपनी पूरी एप्लीकेशन लिखिए, अपने उसको हालात बताइए, उससे बात करिए, देखिए जब मेरा टाइम ख़राब था तो मैंने 1.5 महीने रेगुलर रीपेमेंट किया, अब टाइम ख़राब है तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। आप पहली बात बोलिए ये अनसिक्योर लोन है, मेरे कुछ गिरवी नहीं रखा है, तो अगर आपको नहीं मानना है तो फिर आप पुलिस करो, थाना करो, आप नोटिस भेजो, मेरे को जेल जाना होगा तो मैं जेल भी जाके आ जाऊँगा साहब, अभी इतनी प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम और झेल लूँगा, पहली बात ये बोलिए। दूसरी बात उनको ये बोलिए कि भाई साहब मेरा टेन्योर 5 साल का था, मैं 1.5 साल पे कर चुका हूँ, मेरा ईएमआई 5,000 का है, आप ये जो 1.5 साल का टेन्योर मैंने भर दिया, इसको मेरा जो टेन्योर है और 1.5 साल आगे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 साल का आपको मैक्सिमम मिलता है, जिसमें कि अभी 3.5 साल का है, वही चीज़ इनडायरेक्टली वे में कहलाती है रीस्ट्रक्चरिंग। काफ़ी मेरा प्रैक्टिकल केस, अभी मैंने 3-4 दिन पहले केस ऐसा देखा और हमारी NBFC में ऐसे ही आया, तो हमने खुद उसको क्या किया, उसने ईएमआई कम करने का उसने बोला कि भाई ईएमआई कम कर दो, तो हमने खुद उसका टेन्योर फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया, तो अगर वो 1.5 साल फिर से बढ़ा देगा तो यहाँ पे आपका ईएमआई का काफ़ी भारी असर पड़ेगा, आपकी ईएमआई जो आप सामर्थ्य होंगे 3-3.5 हज़ार पे करने का, वो वापस उसकी ईएमआई का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरी मैं बता दूँ, जैसे आप जब उनसे बोलोगे कि भाई मैं तो अब जेल जा सकता हूँ, आप वो कर दो, तो ये अनसिक्योर लोन है, यहाँ बैंक जल्दी से जल्दी अपना जो पैसा होते हैं वो वापस जान मांगते हैं, और वो चाहते हैं कि इसमें वो कुछ हो नहीं सकता, अंत में हमको इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा, और वो NPA करके आपको विलफुल डिफॉल्ट करके या कुछ भी करके सिबिल क्लोज कर देंगे और बैंक में लॉस क्लोज कर देंगे, जो कि वो लोग नहीं चाहते हैं बैंक वाले, क्योंकि इसमें कुछ भी होता नहीं है। फाइनली मैं आपको बता दूँ, आपको लीगल नोटिस होगा, हो सकता है आपको 1-2 बार कोर्ट जाना पड़े, लेकिन कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं, सच में आपकी नौकरी गई है, बिजनेस लॉस हुआ या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई हो मेडिकल से रिलेटेड कि आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, तो इसमें बैंक क्या करता है, आपका जो टेन्योर बढ़ा देता है, साथ साथ में आप पे जो पेनाल्टी लगी होती है ईएमआई बाउंस पर, ईएमआई बाउंस जो होता है 400 से 700 रुपये प्रति बाउंस होता है, वो बैंक टू बैंक निर्भर करता है, उसका वेवर कर देता है, साथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी वेवर करके यानी कम करके देता है, जिससे आपका जो ईएमआई होता है, जो 5,000 का ईएमआई होता है, वो घट घट के 2,500-3,000 तक ही पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप बैंक में बात करिए। इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखें कि
पर्सनल लोन जब भी होता है, अगर आप जेनुअली एक पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी की तरह बात कर रहे हैं तो बैंक हो सकता है स्टार्टिंग में आपको डराने के लिए बात करे, और उनको जब आप बोल दोगे साहब तो ठीक है हम जा रहे हैं, हम एक भी ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे, आप हमको पुलिस में भर्ती कर आप देना है, आपको कोर्ट में देना है, जहां दे दो, लेकिन कोई कलेक्शन एग्जीक्यूटिव आया तो मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा कि घर आके हमारे बीवी बच्चों के साथ वो बदतमीजी से बात कर रहा है। तो यकीन मानिए बैंक कहा शायद थोड़ा नाटक करने के बाद वो रेडी हो जाएगा कि उसको मालूम है आखिरी में क्या होने वाला है। तो इस तरह आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ज्ञान दे कि भाई आप अपने अनसिक्योर लोन को सिक्योर बना दो, कुछ गिरवी रख दो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप चाहो तो अपने बैंक एग्जीक्यूटिव से बात करके देख सकते हो, ये किसी तरीके से भी पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैजिक लिंक से डीमैट अकाउंट खोलो। नए वीडियो में नए अपडेट सामने आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।